अब जो है ना वो हम लोग एक्सलिंग डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक्सलिंग डिजीज़ मैंने बताया क्या होता है, डिजीजेस दैट आर कॉज्ड, ऐसी डिजीज़ जो इस वजह से होती है, व्हेन द एक्सलिंग जीन, जब एक्सलिंग जीन जो है या तो वो एब्सेंट होती है या तो वो डिफेक्टिव होती है। ठीक है, जब एक्सलिंग जीन या डिफेक्टिव होगी या एब्सेंट होगी तो उस टाइम पे जो डिजीज़ होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सलिंग डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, अब एक्सलिंग डिजीज़ में ना यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए ना मैं एक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये जो नीचे सर्कल है ना इसको देखना है। ये सर्कल पे आपको कोई नंबर दिख रहा है? ठीक है, जो इंसान नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल उसको ना यहाँ पर अंदर एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज़ 74। आप देख सकते हो ये मैंने अंडरलाइन किया है, सो दैट इज़ 7। ठीक है, एंड दिस इज़ 4। तो जो इंसान नॉर्मल होगा उसको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा 74, और जो इंसान कलर ब्लाइंड होगा, ऐसा इंसान जो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, आपको पता है उसको क्या दिखेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, नो नंबर विजिबल। तो आप ये चेक कर लो आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं। अगर आपको 74 लिख के लिखा हुआ दिख रहा है मतलब आप नॉर्मल हो, नहीं दिख रहा है मतलब अब कलर ब्लाइंड हो। तो कलर ब्लाइंड इंसान होता क्या, कलर ब्लाइंड इंसान क्या होता है पता है, ऐसा इंसान जिसको लाल कलर और ग्रीन कलर, ठीक है, ऐसा इंसान जिसको लाल कलर और ग्रीन कलर नहीं दिखता है, नहीं दिखता इन द सेंस क्या दिखता है उसके बदले, उसको रेड और ग्रीन कलर जो है ना वो ग्रे दिखता है। कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है। सो दी पर्सन टू होम, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर अपीयर्स टू बी ग्रे, कैसा दिखेगा उसको, ग्रे दिखेगा। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंड बोलेंगे। आए हो आपको समझ में आए कलर ब्लाइंड क्या होता है। एक और अच्छा सा एग्जांपल अगर आपको दूँ मैं तो हम लोग ने देखा है एप्पल होता है, एप्पल और ये एप्पल का लीफ है। अगर आप कलर ब्लाइंड इंसान को पूछेंगे ये दोनों कलर कौन से, पत्ते और फ्रूट का कलर क्या है, तो बोलेगा कि जो लीफ है ना वो भी ग्रे है, ठीक है, और जो एप्पल है वो भी ग्रे है। तो अगर आपको दोनों का कलर अलग अलग दिखता है मतलब आप नॉर्मल हो। आई होप आपको समझ में आया कलर ब्लाइंड क्या होता है। अब कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है, कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू अ जीन। कलर ब्लाइंडनेस किससे होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक जीन के वजह से होता है, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम के ऊपर यहाँ पर एक जीन होता है, ठीक है, अगर ये जीन डिफेक्टिव होता है क्या होता है, या तो ये जीन डिफेक्टिव होता है या तो एब्सेंट होता है। तो इफ दिस जीन, ठीक है, दिस जीन इज डिफेक्टिव और एब्सेंट, इट विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। ये जो क्रोमोजोम है दैट इज एक्स क्रोमोजोम। इतना समझ में आपको, तो कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू वॉट, इट इज़ रिलेटेड टू एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताएं, हम लोग ना क्रॉसिंग देखेंगे। क्रॉसिंग मतलब कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे स्प्रेड होता है या कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ना एक नॉर्मल मेल ले लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल मेल के पास क्या गैमेट्स होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा वाई, उसके पास दो सेक्स क्रोमोजोम होंगे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल फीमेल की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल फीमेल के पास क्या होगा, एक्स और एक्स। ठीक है, अगर अभी हम लोग ना एक कलर ब्लाइंड मेल की बात करें, कलर ब्लाइंड मेल का मतलब है क्या होगा उसके पास, उसका एक्स क्रोमोजोम भी होगा वाई क्रोमोजोम भी होगा, बट उसका जो एक्स क्रोमोजोम होगा ना वो डिफेक्टिव होगा। एक्स क्रोमोजोम में क्या रहेगा, डिफेक्ट रहेगा। ठीक है, सो व्हेन देर इज एक्स क्रोमोजोम में डिफेक्ट इन मेल, सो ही विल बिकम कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताएं, हम लोग ना क्रॉसिंग करके देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे बिटवीन अ नॉर्मल फीमेल एंड अ कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, नॉर्मल फीमेल फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल। तो गैमेट्स हम लोगों को पता है क्या क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फीमेल के पास क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, कलर ब्लाइंड मेल के पास क्या होगा, एक्स और वाई होगा। बट यहाँ पर जो है उसका मैंने सी लिखा है, सी का मतलब दिस इज़ दी एक्स क्रोमोजोम विच इज़ डिफेक्टिव, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। सपोज ये दोनों की शादी हो गई, ठीक है, जब ये लोग दोनों की शादी होगी तो ये वाला है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये और ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, दिस कैन हैपन लाइक दिस।
एंड दिस कैन हैपन लाइक दिस। इतना समझा आप लोगों? तो ये लोग की अगर शादी हुई तो क्रॉसिंग कुछ ऐसी होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक्स पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो है वो नॉर्मल है, दिस इज़ अ नॉर्मल मेल एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मेल अगेन। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे ये क्या है, ये फीमेल है और एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर सी लिखा हुआ है। तो अभी आप मेरे को बताओ कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है या कलर ब्लाइंड है फीमेल? आप बोलेंगे सर ये जो फीमेल है ना वो कलर ब्लाइंड है। क्यों पता है? क्योंकि जब एक्स के ऊपर सी लिखा हुआ था, जब वो मेल में प्रेजेंट था तो मेल कलर ब्लाइंड था, तो यहाँ पर भी जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड होगी, बट वैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फीमेल है उसको हम लोग कलर ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कैरियर। तो यहाँ पर ये वाली फीमेल भी कैरियर है और ये वाली फीमेल भी कैरियर है। आप बोलेंगे सर ये बात तो गलत है, जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम पे सी रहता है तो आप बोलते हैं कि वो कलर ब्लाइंड है, बट अगर फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी रहेगा तो आप बोल रहे हैं कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होता है पता है? कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो खुद नॉर्मल है। पर्सन कैसा है? नॉर्मल है, बट उसके पास ना डिफेक्टिव जीन है। कौन सी जीन है? डिफेक्टिव जीन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसको समझाने के लिए ना मेरे को आप लोग को एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सपोज़ ये मैं हूँ सलमान, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है शफ़ी। अब ना हम दोनों ना दुबई से दो फ़ोन खरीदे थे, ठीक है, उसने भी एक फ़ोन लिया था और मैंने भी फ़ोन लिया था। मैंने ये वाला फ़ोन लिया और शफ़ी ने ये वाला फ़ोन लिया, ठीक है। शफ़ी शफ़ी के पास ज़्यादा पैसा है, उसने बड़ा वाला फ़ोन लिया। अब मैंने जो फ़ोन लिया ना दैट इज़ सैमसंग, शफ़ी ने जो फ़ोन ख़रीदा ना दैट इज़ आईफोन। मैं बोला ना अमीर है तो उसके पास क्या है? उसके पास आईफोन है। अब हम लोग ने ये फ़ोन्स कहाँ से ख़रीदे? दुबई से ख़रीदे। जब हम लोग इंडिया वापस आए, व्हेन वी केम बैक टू इंडिया, तो मेरे को पता चला कि मेरा जो सैमसंग है ना उसका सिम का ट्रे ख़राब है। उसका क्या ख़राब है? सिम का ट्रे ख़राब है। और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, शफ़ी का जो सिम का ट्रे ना वो भी ख़राब है, इसका भी सिम ट्रे ख़राब है ना। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी हम लोग दोनों जो है फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते बिना सिम ट्रे सही कराए हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा फ़ोन चला लिया, बट शफ़ी को जो अपना फ़ोन है ना उसको अभी वाईफाई यूज़ कर सकते हम लोग, और वाईफाई पे पबजी खेल सकते और क्या खेल सकते, ठीक है। तो हम लोग फ़ोन कॉल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। शफ़ी का जो फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया, शफ़ी का जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया, बट मेरा जो फ़ोन है ना सिम ट्रे ख़राब होने के बाद भी मैं चला सकता हूँ। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? दोनों में सेम प्रॉब्लम हुई, उसकी सिम ट्रे ख़राब हुई तो उसका फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा सैमसंग का फ़ोन है उसकी सिम ट्रे ख़राब हुई तो भी मैं चला पा रहा हूँ। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? ठीक, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो आईफोन होता है ना उसके अंदर सिर्फ सिंगल सिम होता है, एक सिम होता है। जो सैमसंग होता है ना उसके अंदर दो सिम होता है, सिम वन सिम टू, ठीक है। तो अगर मेरे पास हम दोनों की अगर एक एक सिम ट्रे ख़राब हुई, इसकी ये सिम ट्रे ख़राब हुई, मेरी ये वाली सिम ट्रे ख़राब हुई। अब अगर मेरे पास एक सिम ट्रे ख़राब हुई तो मेरे पास दूसरी सिम ट्रे है या नहीं, तो मैं इसमें अपना सिम डाल के फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, बट बेचारे के पास एक ही सिम ट्रे था। अगर ये ख़राब हो गया तो फ़ोन ही ख़राब हो गया, ठीक है, फ़ोन क्या हो गया? ख़राब हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। तो मेरे पास बैकअप है, मेरे पास क्या है? बैकअप है। अगर एक ख़राब है तो मैं दूसरा यूज़ करूँगा, बट ये बंदे के पास बेचारे के पास बैकअप ही नहीं है, तो अगर एक सिम ट्रे ख़राब है मतलब फ़ोन ही ख़राब हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, जो फीमेल होती है, ठीक है, अगर हम लोग फीमेल की बात करें और मेल की बात करें, फीमेल के पास होते हैं दो एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो अगर एक डिफेक्टिव निकल गया तो वो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, बट मेल के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर ये डिफेक्टिव निकल गया तो बंदा जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, इतना समझा, मतलब उसको बीमारी हो जाएगी। बट अगर फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम है तो क्या करेगी, दूसरा यूज़ करेगी, एंड सच टाइप ऑफ फीमेल आर कॉल्ड एज कैरियर। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियर बोलेंगे। अगर मैं आपको पूछूं मेरा फ़ोन कब ख़राब होएगा, तो आप बोलेंगे सर आपकी दोनों सिम ट्रे ख़राब होना चाहिए तब जाके मेरा फ़ोन ख़राब होएगा, बराबर है। तो अ पर्सन, एक जो फीमेल है वो कभी अफेक्टेड होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम ख़राब होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम ख़राब होंगे सो देन शी विल बी कॉल्ड एज अफेक्टेड। इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो इसी वजह से क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना उनमें एक्स लिंक डिजीज़ ज़्यादा होती है। आप देखोगे दुनिया में इतने सारे आदमी अंधे हैं, अंधे इन द सेंस कलर ब्लाइंड है, और अगर आप फीमेल को देखोगे तो बहुत कम फीमेल्स है जो कलर ब्लाइंड है। इतना समझ में आपको, ये क्लियर है? तो कैरियर और अफेक्टेड क्या होते हैं? ओके, तो यहाँ पर जो है ये दोनों जो मेल और फीमेल है, यहाँ पर जो ये
फीमेल है ये क्या है, कैरियर है, और यहाँ पर ये जो मेल है वो नॉर्मल है। मैंने यहाँ पर आपको नॉर्मल और कलर ब्लाइंड बताया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल, तो कैरियर फीमेल के पास क्या गैमेट रहेंगे? कैरियर फीमेल के पास रहेगा XCX। कलर ब्लाइंड अफेक्टेड फीमेल कैसी रहेगी? अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल मतलब कलर ब्लाइंड फीमेल। तो कलर ब्लाइंड फीमेल कैसे रहेगी? जिसके पास XC और XC रहेगा। तो फीमेल को बीमार होने के लिए, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए उसके दोनों एक्स क्रोमोजोम खराब होना चाहिए, और मेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए भैया एक क्रोमोजोम भी खराब हुआ तो उसकी गाड़ी डूब जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि कैरियर क्या होता है, ठीक है, अफेक्टेड क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। एक और बार बता देता हूँ, नॉर्मल वो होता है जिसको कोई भी डिजीज़ ना हो नहीं होती है, ना उसको डिजीज़ होती है ना उसके क्रोमोजोम खराब होते हैं। अफेक्टेड वो होता है जिसको डिजीज़ भी होती है और जिसके क्रोमोजोम भी खराब होते हैं। कैरियर वो होता है जिसके क्रोमोजोम तो खराब होते हैं बट उसको डिजीज़ नहीं होती है। इतना समझ में आए, ये बात याद रखना। अब मैं आप लोग को ना क्रॉसिंग के लिए ना एक होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप एक काम करो, आप एक अफेक्टेड मेल ले लो, अफेक्टेड मेल ले लो, और एक ना अफेक्टेड फीमेल ले लो। बहुत रेयर केस है कि लड़के वाले भी छुपा रहे कि लड़का कलर ब्लाइंड है और लड़के वाले भी छुपा रहे कि लड़की कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब मेल कलर ब्लाइंड है तो उसके क्रोमोसोम क्या होंगे? XCY। फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है तो XC और XC। आप इसको क्रॉस करो, आप क्या करो, इसको क्रॉस करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आता है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कितने कलर ब्लाइंड है और कितने नॉर्मल। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग पढ़ने वाले ना, दैट इज़ कॉल्ड एज हेमोफीलिया। सपोज़ एक इंसान है, उसके ना उंगली कट गई, ठीक है, उसकी क्या हो गई, उंगली कट गई, तो उसमें से ना ब्लड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लीडिंग है ना उसका ना एक टाइम होता है, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जाम्पल उसका जो क्लॉटिंग टाइम होता है 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड बाद जो है ये जो ब्लीडिंग है वो बंद होके क्या बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनमें ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, जिनमें क्या होता है, ये जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। सो इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ब्लीडर्स डिजीज़। तो क्या होता है ब्लीडर्स डिजीज़ में? ब्लीडर्स डिजीज़ में अगर किसी को जख्म हो जाता है, किसी को अगर कोई चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब इसका एक्चुअल नाम है हेमोफीलिया। दिस इज कॉल्ड एज वॉट? इट इज़ कॉल्ड एज हेमोफीलिया, ठीक है। तो हेमोफीलिया क्या है? इट इज़ अ डिजीज इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर। ब्लीडिंग जो रहता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? जो गोल गोल स्ट्रक्चर है वो क्या है? RBC है। जब भी हम लोग को चोट लगती है ना तो खून जो है ना बाहर आने लगता है, तो बॉडी के लिए ना जो ब्लड है दैट इज़ अ गोल्डन फ्लूइड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है। तो ब्लड को क्या करना रहता है पता है? बॉडी क्या करती है, इसके आसपास, कैन यू सी दिस दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ना एक फाइबर है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फाइबर। ये फाइबर से क्या करता है पता है? हमारा बॉडी ये ब्लड क्लॉट बनाता है, ठीक है, RBC को ना सबको बांध देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग फाइबर, ब्लड क्लॉटिंग फाइबर, ठीक है। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग फाइबर है ना, ब्लड क्लॉटिंग फाइबर, उसके लिए ना जीन होती है। उसके लिए क्या होती है? जीन होती है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। अगर ये जीन खराब होती है, अगर ये जीन खराब होती है तो ब्लड क्लॉटिंग फाइबर, ये जो धागा है वो बन नहीं पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, ये जो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता और कंटिन्यूसली जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। इतना समझ में आया? हेमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। जितनी भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी डिजीज़ क्रोमोसोम से या जीन से रिलेटेड होती है, उनका कोई इलाज नहीं होता है, कोई क्योर नहीं होता है, ठीक है। वो लाइफ टाइम रहेगी इंसान को, इंसान उससे ठीक नहीं हो सकता है। अब हेमोफीलिया की अगर बात करें, अगर एक नॉर्मल मेल की मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल मेल के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XY। एक नॉर्मल फीमेल की अगर बात करूँ तो उसके पास क्या होगा? XX। अगर मैं एक हेमोफिलिक मेल की बात करूँ, हेमोफिलिक मेल मतलब जिसको हेमोफीलिया हो गया, तो उसके पास XY तो रहेगा बट X कैसा रहेगा? डिफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर मैं एक हेमोफिलिक फीमेल की बात करूँ, हेमोफिलिक फीमेल, तो मैंने उसके लिए बताया था कि जो दोनों क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव होना चाहिए, है ना, तो दोनों के ऊपर क्या आएगा? H और H। अगर मैं एक कैरियर फीमेल की बात करूँ, कैरियर फीमेल मतलब उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, एक डिफेक्टिव रहेगा जिसकी वजह से
वो कैरियर है, बट दूसरा जो है नॉर्मल है जिसकी वजह से इसको बीमारी नहीं होगी। इतना समझ में आ रहा है? सो दीज आर दी क्रोमोसोम ऑफ वेरियस कंडीशंस। अब आपके लिए क्रॉसिंग, ठीक है, होमवर्क में देता हूँ आप लोगों को क्रॉसिंग, आप लोग ट्राई करना। एक कलर ब्लाइंड मेल है, सॉरी कलर ब्लाइंड बोल रहा हूँ मैं, कलर ब्लाइंड पढ़ पढ़ के कलर ब्लाइंड याद आ रहा है। एक हेमोफिलिक मेल है, ठीक है, और एक हेमोफिलिक फीमेल है। बहुत रेयर केसे है, फिर भी आप लोग ट्राई करना। हेमोफिलिक मेल बोले तो हेमोफिलिक मेल का मतलब है दी पर्सन विल बी हैविंग एक्स एन वाई क्रोमोजोम, एक्स एन एक्स क्रोमोजोम, इसके ऊपर रहेगा एक्स सी, यहाँ पर भी रहेगा एक्स सी और एक्स सी। आप लोग क्या करो, इसकी क्रॉसिंग करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को बताओ क्या आंसर आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ पर जाके मेरे को सम करके भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, आई विल करेक्ट इट एंड सेंड इट टू यू। तो आपको बताना है कितने मेल अफेक्टेड रहेंगे, कितने फीमेल अफेक्टेड रहेंगे, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट एक्स लिंक डिजीजेस। तो हम लोग ने दो डिजीजेस के बारे में पढ़ा, एक हेमोफीलिया पढ़ा और दूसरा जो था कलर ब्लाइंडनेस था। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।